नमस्कार, मोडानी की लूट कथा नामक हमारी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी जी की कृपा से अडानी ने फिर एक बार देश को करोड़ों का चूना लगा दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अडानी समूह ने 2019 से 2021 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के 30 शिपमेंट मंगवाए। इंडोनेशिया में इस कोयले की कीमत 1073 करोड़ रुपए थी, जो गुजरात पोर्ट पर पहुंचते ही 1570 करोड़ रुपए बताई गई। इस तरह मोदी जी के मित्र अडानी ने कीमत में हेर फेर कर कोयले के सिर्फ 30 शिपमेंट में देश के 533 करोड़ रुपए लूट लिए। अब आगे सुनिए। अडानी समूह ने 2021 से 2023 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के ऐसे ही 2000 शिपमेंट मंगवाए थे। अगर मुनाफे का यही औसत रखा जाए तो अडानी ने केवल 2 साल में देश को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। तो इस तरह पीएम मोदी देश का पैसा अपने दोस्त की तिजोरी में डाल रहे हैं। नतीजा, देश में ऊर्जा बिजली लगातार महंगी होती जा रही है, जिसका बोझ आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। ये पीएम मोदी और अडानी के दोस्ती का ही असर है कि व्यापार कोई भी हो, फायदा सिर्फ और सिर्फ अडानी को होता है और नुकसान पूरे देश का होता है। मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलकर आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरह मोडानी की महालूट जारी है।